वेलकम टू SSC अड्डा 246। और देखिए दोस्तों, आज हम RRB ग्रुप डी की 24 सितंबर के सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए, यहाँ पर रॉकेट किस नियम पर आधारित है? तो ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। उसके बाद देखिए, मेनका गांधी किस मंत्रालय से, मतलब जो मेनका गांधी है वो किस मंत्रालय की अध्यक्ष हैं? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के हैं। उसके बाद देखिए, नरगिस दत्त को किस फिल्म के लिए पुरस्कार मिला था? तो मिला था मदर इंडिया के लिए। उसके बाद देखिए, हाल ही में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के पुरस्कार, मतलब से पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है शत्रुघ्न सिन्हा को। उसके बाद देखिए, वैश्विक विविधता पुरस्कार किसने जीता? तो सलमान खान। भारत में सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक। उसके बाद देखिए, 2018 ऑस्ट्रेलिया ओपन का विजेता कौन थे? रोजर फेडर पुरुष, और महिलाओं में कैरोला वेजनियाकी। उसके बाद देखिए, रिहंद बांध पूछा गया है, तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है। आंखों में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करने वाले के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सुबह मैंने इसका आंसर आप लोगों को आयरिस बताया था, तो इसका आंसर आयरिस नहीं, आँख की पुतली होती है। उसके बाद देखिए, मास्को 2018 में टेल मेमोरियल रैपिड शतरंज टूर्नामेंट का विजेता कौन थे? विश्वनाथ आनंद। उसके बाद देखिए, इथेनोइक एसिड का नाम पूछा गया है, मतलब दूसरा नाम, तो उसका नाम होता है सिरकाम्ल। उसके बाद देखिए, जो लिटमस, ये सुबह क्वेश्चन भी आया था, तो इसमें लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है? तो उसका रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। उसके बाद देखिए, आईफा 2018 कहाँ होगा? तो ये थाईलैंड में होगा, आईफा 2018। उसके बाद देखिए, CEO एडोब के CEO हैं शांतु नारायण। उसके बाद देखिए, 2017 फिल्म फेयर अवार्ड किसने जीता? तो ये आमिर खान दंगल मूवी के लिए जीता था। उसके बाद देखिए, अनुवांशिकता की मूल इकाई पूछी गई है, तो अनुवांशिकता की मूल इकाई जीन होती है। उसके बाद देखिए, एशियाई खेल 2018 में 1500 मीटर में एथलेटिक्स कार्यक्रम में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो जीता है जिनसन जॉनसन ने। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो C3H8। सूर्य मोर्चा पूछी है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन तो दिया होगा हाइड्रोजन के सलियन, दूसरा दिया होगा हाइड्रोजन का विखंडन, तीसरा दिया होगा हीलियम का सलियन, और चौथा दिया होगा हीलियम का विखंडन। तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर लगाना है हाइड्रोजन का सलियन। उसके बाद देखिए, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। तो दोस्तों, ये थे सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।